आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर टेस्टी ये आलू के पकोड़े। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोहित किचन। शाम में चाय के समय पे अगर ऐसे आलू के पकोड़े मिल जाए खाने को तो फिर तो मजा ही आ जाए। तो आप भी ये आलू के पकोड़े घर में एक बार जरूर ट्राई करें। तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आलू को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं चाकू की मदद से आलू को गोल गोल काट ले रहा हूँ। आलू को काटते समय आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको आलू को ना तो ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा पतला काटना है। आलू को बिल्कुल इक्वल साइज का, एक ही साइज का काटना है। तो मैं यहाँ पे आलू को काट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू को बिल्कुल इक्वल साइज में काट लिया है। आप इस आलू की थिकनेस को देखिए, ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल इक्वल साइज का है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह का काटना है। तो मैं बाकी के सारे आलू को बिल्कुल इसी तरह से काट लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को बिल्कुल अच्छी तरह इक्वल साइज में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और बॉल में थोड़ा सा पानी लेंगे और सारे आलू को इन बॉल में डाल देंगे ताकि हमारा आलू काला ना हो। तो मैं यहाँ पर सारे आलू को बिल्कुल ऐसे ही बॉल में डाल देता हूँ। तो अब हम चलते हैं बैटर की ओर, हम अपना बैटर बना लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बॉल लेंगे और बॉल में हम एक कप बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसमें हम उसी कप से आधा कप चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो यहाँ पर आप कॉर्न स्टार्च यूज कर सकते हैं। आप इसमें 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब ना हो तो यहाँ पर आप गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। इसे एक बार हम सूखे में ही अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें हमारा थोड़ा सा भी गुठली ना हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक बैटर तैयार करना है। पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक बैटर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए इसे मिलाते हुए एक बैटर तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। आप बैटर का थिकनेस देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह का थिकनेस का बैटर तैयार करना है। तो बैटर हमारे यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डाल देंगे। ये आप ज़रूर डालिएगा, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल दे रहा हूँ और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पकोड़ों को तलने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसे गैस पे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने को छोड़ दिया है। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर में अपना आलू को डालकर उसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैटर में आलू को डाल दे रहा हूँ और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। हम पकोड़ों को बैचेस में करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप बैचेस में करके पकोड़ों को फ्राई करिएगा। यहाँ पर हम ज़रा सा बैटर को पहले तेल में डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम धीरे धीरे यानी कि एक एक करके इसमें हम आलू के पकोड़े को डाल देंगे। तो मैं यहाँ एक एक करके इसमें आलू के पकोड़े को डाल दे रहा हूँ। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका तेल जितना हो सिर्फ उतना ही इसमें आप आलू का पकोड़ा को डालिएगा। आप आलू के पकोड़े को इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका आलू का पकोड़ा फूला फूला नहीं बनेगा। तो इसमें जितना अट पाए सिर्फ उतना ही आपको पकोड़ा डालना है पहले, इसीलिए हम इसमें बैचेस करके इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर अब हम पकोड़ों को तब तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक हमारे पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाते हैं, यानी कि जब तक वो अच्छे से क्रंची ना हो जाते हैं। तो इसे आप अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं इसे बिल्कुल अच्छे से अलट पलट करते हुए फ्राई कर ले रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पहला बैच फ्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। इसे हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि इससे एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ दूसरा बैच इसमें डाल दे रहा हूँ और इसे भी मैं अलट पलट करते हुए फ्राई कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी तैयार है, इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रहा हूँ
और इसी तरह हम सारे बैचेस को फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा तैयार है क्रिस्पी आलू का सुपर टेस्टी पकौड़ा। इसको आप टोमेटो केचप या नहीं तो फिर हरी चटनी के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करिए। आपका चाय पीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का ये आलू का पकौड़ा। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। इससे क्या होगा, इससे आगे की कोई भी वीडियो मेरी आप मिस ना कर पाएंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और छोटी सी रेसिपी में। और बाकी की ये सारी वीडियो देखने के लिए इन्हीं वीडियो पे आप क्लिक करिए। थैंक यू।